विश्व में दो ही पशुपतिनाथ मंदिर है, एक है भारत के मंदसौर का और दूसरा काठमांडू नेपाल का। काठमांडू नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी इसे शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में। और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक घूमने आते, तो चलिए आज हम श्री पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर गुप्ता और यात्रा एडवाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दक्षिण गेट से प्रवेश करने के लिए हमें गौशाला के पास से एंट्री करना पड़ेगा, जो कि सामने ये जो गेट दिख रहा है, इस ओर गौशाला है, जो कि गौ माता की सेवा करने के लिए ही बनाया गया है। और ये जो आप पशुपति विकास कोष की संपत्ति देख सकते हैं इस ओर। ये है कृपालु उद्यान, जो कि फूलों की वाटिका बनाया गया है वनकाली क्षेत्र में। तो यहाँ से अभी अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, साइड से हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके का उद्यान है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ दृश्य इस प्रकार से दिखाई दिए। आप पशुपति क्षेत्र में फोन पे के जरिए भी दान कर सकते हैं। ईश्वर वनकाली धर्मशाला है, जो कि रहने के लिए पर्यटकों के लिए, यहाँ पर आएंगे तो रहने के लिए कोई टेंशन नहीं है। गौशाला धर्मशाला भी है जहाँ पर अभी मैं ठहरा हुआ हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले श्री गणेश का मंदिर का दर्शन होता है, जो कि ये है श्री गणेश का मंदिर। विशोर कुछ इस प्रकार से आप थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो कि नेपाली क्राफ्ट, नेपाल के हस्तकला से संबंधित वस्तुएं यहाँ पर मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारी, यहाँ का टोपी से लेकर और भी बहुत कुछ। और थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो कि विभिन्न प्रकार के मंदिर में चढ़ावे के लिए फूल मालाएं भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगी, जो कि देख सकते हैं आप। ये पूरा फूलों का मार्केट है और मंदिर में चढ़ाने के लिए चढ़ावे का पूरा आइटम यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। के पाउँछ अलिकति भन्दिनु न। त्यहाँ पूजाको भाँडाहरू, झन्डा, यस्तो रुद्राक्ष मालाहरू, पूजा सामग्रीहरू, पूजाको सामानहरू आपको यहाँ पर बहुत सारी पूजा की सामग्री मिल जाएंगी थोक मात्रा में। देखिए यहाँ पर जो कि गौ सेवा के लिए बनाया गया जो कि नंदी सेवा स्थल है, हम अंदर जाके देखेंगे। गौ माता की सेवा करने का पूरा स्थल है, जो कि यहाँ पर यहाँ से आप काफ़ी मात्रा में फूल खरीद सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से सब सामग्री आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। तो आपकी इच्छा है आप सस्ते कम का लें या फिर ज़्यादा कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है।
मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने कीमती सामान और जूते चप्पलों को यहाँ पर रखने की सुविधा है, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने भी जूते रख लिए, जो कि मेरा 2661 नंबर है। अब यहाँ से हमें प्रवेश करना होगा भव्य पशुपतिनाथ के मंदिर में। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर शिवलिंगम का दर्शन होता है। जय हो पशुपतिनाथ। इस ओर का कुछ दृश्य इस प्रकार है। सारा पशुपति विकास कोष देखता है इस ओर का पूरा क्षेत्र। इस ओर ये जो पूरे भवन है, पूरे पशुपति विश्व कोष के ही सारे भवन हैं। अब हम इस ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हमें भगवान के दर्शन करने को मिलता है। यहाँ पर से हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो शंकराचार्य मठ का दर्शन हमें होता है। अब हम इस ओर जाएंगे, इसके नीचे कुआ है शायद। यहाँ पर कबूतर बहुत सारे मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने कबूतर हैं कोई इनका हिसाब नहीं। देखिए, कबूतर बहुत सारे हैं यहाँ पर, क्योंकि दाने चुगते हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग दाने डालते हैं, मक्की वगैरह। देखिए, अंदर प्रवेश करते ही हमने अभी कबूतरों का दर्शन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार का था। इस ओर जूते चप्पल रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले देखा वो नीचे साइड में बन चुका है। विभिन्न प्रकार के भक्त श्रद्धालुगण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। राम 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 जय कल्याण। यहाँ पर आपको चंदन मिल जाएगा। जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाते हैं, तो सामने का दृश्य कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले भगवान पशुपति शंकर का दर्शन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं भव्य रूप। और ये इस मंदिर में केवल हिंदू को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है, बाकी औरों को नहीं। देख सकते हैं प्रवेश हिंदू को लागू, हिंदू जो होंगे। यहाँ से भव्य पशुपति शंकर का दर्शन, जो कि कुछ इस प्रकार से सिंगल नहीं दिखने वाला। इससे आगे कैमरे की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आगे की शूट नहीं करेंगे।
पशुपति का अर्थ क्या है? पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान हैं पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। नर जीवन लाकर भी जो पशु के समान हैं, जिनको अभी तक चेतना नहीं है, उन सभी मानव जाति जब भगवान पशुपतिनाथ के शरण में जाते हैं तो उन्हें भी जागृति प्रदान होती है। जब तक जागृति नहीं है तब तक हम सभी पशु ही समान हैं। ये पशुपतिनाथ का मुख्य गेट है जो कि पश्चिम की ओर से खुलता है। जब नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को महाविनाशकारी भूकंप आया था तो उस समय यहाँ पर काफ़ी क्षति हुआ था, लेकिन भगवान शिव का मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इस ओर आप देख सकते हैं, ये सारा पशुपति विकास क्षेत्र में विकास कोष के अधीन में है। ये सारा संपत्ति और ये संपूर्ण क्षेत्र पशुपति क्षेत्र कहलाता है। अब हम पश्चिम से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहाँ से आना पड़ेगा ये देखने हम जा रहे हैं। पश्चिम से प्रवेश करने वाला गेट, और यहाँ पर भी आप यहाँ से आ सकते हैं, इस ओर के रास्ते से भी। यहाँ पर आने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं। मैं अभी समय पश्चिम क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे मात्रा में आपको माला, फूल, शालिग्राम, पत्थर, पूजा के विभिन्न प्रकार के सामान, शंख, घंट इत्यादि इस मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इस पशुपतिनाथ में शिवरात्रि के दिन भव्य होता है। यहाँ पर भव्य रूप से शिवरात्रि मनाया जाता है। और मंदसौर और नेपाल के पशुपतिनाथ के मंदिर की मूर्तियाँ समान हैं, समान आकृति वाली है। यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का धारा है जो कि प्राकृतिक रूप से निकलने वाला जल स्रोत। अभी इस पर पानी नहीं आ रहा है, पहले आता था, शायद बरसात काल में यहाँ पर पानी आता है। ये देख, इस तरह से बनाए गए हैं, ये प्राचीन काल में ही बनाए गए हैं। और थोड़ी देर में हम पशुपतिनाथ के मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बने रहे इस वीडियो में और बोलिए जय पशुपतिनाथ, और नीचे कमेंट में लिख के बोलिए जय पशुपतिनाथ। राजा प्रसन्नम गजभूमिदानम ब्राह्मण प्रसन्नम वेदांतिज्ञानम योगी प्रसन्नम मोक्ष प्रदानम प्रभु प्रसन्नम पाणि प्रदानम ओम राजा मंगल भैरव मंत्री मंगल धनम नवम वर्ष शुभकामना। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। प्रसन्नम प्रसन्नम प्रसन्नम। ये है माता पार्वती का मंदिर जो कि बज्रेश्वरी देवी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में बनाए गए ये सारे मंदिर।
आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रामाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशु प्रक्षेप ने तीसरी सदी के ईसा पूर्व में कराया था। 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरणों छूकर अपने को अनुग्रहित। जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते वो इस ओर बैठ करके यहाँ से मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। हिंदू के अलावा दूसरे धर्म के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जो इन शिवलिंगों को आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग पारद के बने हुए हैं। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्ययुग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण कर लिया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल हैं। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है, इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1797 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। मंदिर के पुजारी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। कब खुलता है मंदिर? यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय में और साढ़े 5 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। कहते हैं कि यह पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुँह को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुँह को सद्योजात कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर हैं और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर की द्विछत स्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोन की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना हुआ है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 83 मीटर 7 सेमी है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजुर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरी बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उत्तमता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियाँ प्रमुख रूप से मौजूद हैं। जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय, गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी का मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है।
एउटा दिउँ न के हो दाजु यो क्यामेरा ट्वेंटी का इधर जितनी भी आप क्षतिग्रस्त अवस्था में देख रहे हैं, ये 25 अप्रैल 2015 में आए हुए विनाशकारी भूकंप के कारण इतना क्षति हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंगारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रायण के समय शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामान्य से पूर्व भीम ने उनकी पूँछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ये मंदिर से ठीक ऊपर का एरिया है, पूर्व की ओर का। यहाँ पर अनेक मंदिर हैं जो कि दरारें पड़े हुए हैं भूकंप के कारण से। यहाँ पर पूजा कार्यक्रम चल रहा है। मृगस्थली कहते हैं इस स्थान को। यहाँ पर नरहरिनाथ योगी का मठ है। यह यहाँ पर विशाल वट वृक्ष का मन वो है, यहाँ पर विशाल वट वृक्ष है और इस ओर मृग रहते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मृग रहने के कारण से इधर मृगस्थली कहते हैं। देखिए आप सामने पे मृग है उधर पड़े हुए हैं। इस मंदिर दर्शन की महिमा कुछ इस प्रकार है। केदारनाथ के दर्शन के बाद यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको आधा ही फल मिलेगा। और इस मंदिर में दर्शन करने से फिर कभी भी किसी भी प्राणी को अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना नहीं पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि इस मंदिर में दर्शन करने से पहले सबसे पहले नंदी के आप दर्शन ना करें, भगवान शिव के दर्शन करें। इसलिए पश्चिमी गेट के ऊपर में भगवान शिव का प्रतिमा बनाया गया है। सबसे पहले वहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करें, उसके बाद में फिर नंदी के दर्शन करें। कुछ लोग इस झंझट से मुक्ति के लिए पूरब के द्वार से भी जाते हैं, लेकिन अभी ये द्वार खुलता नहीं है। और इस मंदिर के विषय में यहाँ पर के लोगों से आप बहुत सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और इस मंदिर की काफ़ी महत्व है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और पशुपतिनाथ भगवान की जय नीचे कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। नमस्ते, बाय बाय।